kids, welcome to your English class, and I'm your teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new lesson of your class 8 English book, that is Literary Journeys, an English Reader for class 8 by Brainroot Publications. So today we will begin with chapter number 2, and the title of the chapter is How I Taught My Grandmother to Read. Alright, so here, this is an interesting story of the author Sudha Murthy. Sudha Murthy is a very famous personality. She is the wife of chairperson of Infosys Group. Infosys ek bahut hi famous IT company hai. Narayan Murthy uske owner hai, and Sudha Murthy is the co-founder of Infosys along with Narayan Murthy. सुधा मूर्ति अपनी बचपन की यादें हमारे साथ शेयर कर रही हैं इस कहानी के माध्यम से कि उन्होंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना लिखना सिखाया था. एक्चुअली बच्चों, पहले आज से कई साल पहले लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि लड़कियाँ सिर्फ घर का कामकाज सीख लें, यही बहुत है. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. Now girls are equally encouraged to get educated, and they are even encouraged to go out and work. All right, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले situation was completely different. पहले लोग सोचते थे कि घर के जो men हैं, यानी जो आदमी हैं, वही सिर्फ काम करेंगे, और जो औरतें हैं वो सिर्फ घर में बच्चों की देखभाल करेंगी, घर का कामकाज करेंगी. और इसीलिए सुधा मूर्ति की जो दादी थी उनको भी ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था. लेकिन सुधा मूर्ति ने कैसे अपनी दादी को पढ़ना लिखना सिखाया, आज हम उसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड. वार्मिंग अप. डू यू नो दैट सावित्रीबाई फुले पायनियर्ड वुमेन्स एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट एरा. शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्प इंडियन वुमेन हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. Discuss in class about the condition of women education in India in the pre-independence era. अभी अभी हमने वही चीज़ डिस्कस की है कि इंडिपेंडेंस से पहले, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमें जब स्वाधीनता मिली, उससे पहले जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था, औरतों की शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था. लड़कियों को यही माना जाता था कि वो घर में रहें, कामकाज सीखें, आगे चल के शादी कर देनी है, और शादी के बाद उन्हें घर ही संभालना है. ठीक है, इसलिए उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था. उनको सिर्फ थोड़ी बहुत बेसिक शास्त्र का ज्ञान या थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाई जाती थी, दैट्स इट. कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो समाज के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को या इस प्रथा को चेंज करने की कोशिश की, जिसमें से एक बहुत ही जाना माना नाम है सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले वो पहली महिला हैं जिन्होंने महिलाओं के विकास के लिए जो है मोर्चा निकाला. उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने की ठान ली कि लड़कियों का एजुकेटेड होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों को एजुकेटेड होना, और वो पहली महिला हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था. ऑलराइट. Touched deeply by the story of popular novel, a 62-year-old literate grandmother hesitantly asks her granddaughter to teach her the alphabet so that she could read the novel all by herself. Does the granddaughter succeed in teaching her to read and write? Let's find out. तो यहाँ जो कहानी है वो एक दादी और पोती की है. दादी जो है वो एक नॉवल की कहानी सुन के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं, और वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं कि उनका मन करता है कि काश मुझे भी पढ़ना आता तो मैं ये नॉवल, ये किताब खुद पढ़ सकती थी, क्योंकि खुद पढ़ने में जो चार्म है, कहानी सुनने में शायद उतना चार्म कई बार नहीं फील होता. तो वो अपनी पोती से रिक्वेस्ट करती हैं कि क्या तुम मुझे अक्षर ज्ञान दोगी, क्या तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखाओगी ताकि मैं खुद ये किताब पढ़ सकूँ. क्या उनकी पोती उनकी भावनाओं को समझ पाती है और क्या वो उन्हें सिखाती है, आइए पढ़ते हैं. When I was a girl of about 12, I used to stay in village in North Karnataka with my grandparents.
सो द ऑथर सुधा मूर्ति सेज दैट जब वो 12 साल की थी तब वो गांव में कर्नाटका के एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के साथ ही रहती थी. दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. और उन दिनों में ट्रांसपोर्टेशन इतना एडवांस नहीं था तो जो सुबह का अखबार जो आजकल हम लोगों के हाथ में एकदम सुबह 6 बजे आ जाता है वो अखबार उस टाइम पे नैरेटर के घर पे आफ्टरनून यानी दोपहर को ही पहुंच पाता था. द वीकली मैगज़ीन यूज़ टू कम वन डे लेट. और जो वीकली मैगज़ीन आता था वो एक दिन बाद आता था यानी साप्ताहिक पत्रिका भी डिलेट फॉर्म में ही उनके घर तक पहुंचती थी. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज़ टू कम विद द पेपर्स वीकली मैगज़ीन्स एंड ऑल द पोस्ट. और सभी गांव वाले जो है बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस बस का इंतज़ार करते थे जिसमें न्यूज़पेपर्स पत्रिकाएं और पोस्ट लेटर्स ये सब होंगे. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं मतलब जब लेखिका खुद बचपन में छोटी थी उस टाइम त्रिवेणी नाम की एक लेखिका बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. उनका राइटिंग का स्टाइल इतना सुंदर था कि लोगों को उनकी कहानियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता था. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. हर स्टोरीज यूजली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. तो त्रिवेणी अपनी कहानियाँ बहुत ही साफ और सुंदर शब्दों में लिखती हैं और वो कुछ कहानी को इस तरह से बनाती थी कि लोग कहानी को पढ़ के बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे जैसे ये कहानी तो उनकी बहुत जानी पहचानी है और वो विजुअलाइज़ भी कर सकते हैं अपने आँखों के सामने उस घटना को घटित होते हुए महसूस कर सकते हैं. तो इतनी खूबसूरती के साथ कहानी को लिखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. ये कन्नड़ लिटरेचर के लिए दुख की बात है कि त्रिवेणी कई सालों तक नहीं जी पाई. बहुत ही यंग एज में उनकी मृत्यु हो गई और इसीलिए कन्नड़ लैंग्वेज में शायद और कहानियाँ जो हमें मिल सकती थी वो नहीं मिली. लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उनके लिखने का तरीका इतना अच्छा था कि आज भी 40 साल के बाद भी लोग उनकी कहानियों को उतने ही चाव के साथ पढ़ते हैं और उनकी तारीफ भी उतनी ही उत्साह के साथ करते हैं. वन ऑफ हर नॉवल्स कॉल्ड काशी यात्रा वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा दिन. सो द ऑथर सेड कि कई बार कुछ नॉवल्स जो बहुत अच्छी होती है उनको हम टीवी सीरियल्स में अडाप्ट कर लेते हैं यानी उनके शोज़ बना देते हैं राइट. जैसे महाभारत इज़ अ बुक बट उसकी टेलीविज़न सीरीज़ बनी है राइट. रामायण इज़ अ बुक लेकिन उसकी टेलीविज़न सीरीज़ बनी है. इसी तरह से कई ऐसे नॉवल्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और इसीलिए उनको टीवी शोज़ में या रेडियो शोज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो ऐसा ही एक फेमस नॉवल है काशी यात्रा जिसको टीवी शो में कन्वर्ट कर दिया गया था और जो कर्मवीर जो चैनल था उस ज़माने में उस पर दिखाया जाता था. एंड किस बारे में थी ये स्टोरी काशी यात्रा जो स्टोरी है वो किस बारे में थी. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for her wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says, the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishveshwara at Kashi. तो ये जो काशी यात्रा था वो स्टोरी एक बूढ़ी औरत के ऊपर थी. मतलब उस स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो एक बूढ़ी औरत थी जो कि काशी जाने की या वाराणसी जाकर विश्वेश्वर यानी महादेव की पूजा करना चाहती थी. ठीक है, उन्होंने इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़े हुए थे पर वो किसी भी तरह काशी जा नहीं पा रही थी. काफ़ी कोशिशों के बाद भी
बार बार उनकी यात्रा टल जाती और उनके मन की इच्छा जो है अधूरी रह जाती। ऑलराइट, तो इसीलिए वो हर बार निराश हो जाती। स्टोरी में एक और लड़की थी जो कि अनाथ थी और जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो अनाथ थी, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं था और ना ही उसके पास पैसे थे। जब ये बूढ़ी महिला उस लड़की से मिलती हैं तब उन्हें एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है और वो अपने सारे जो पैसे उन्होंने सेव किए होते हैं काशी यात्रा के लिए, उन पैसों को उस लड़की की शादी के लिए खर्च कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि मेरी काशी यात्रा से भी ज़्यादा पुण्य मुझे उस लड़की की शादी करके उसे सेटल करने में मिल गया, यानी इस लड़की का सुख ही मेरे लिए काशी यात्रा के समान है। तो एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ऑलराइट, माय ग्रैंडमदर कृष्ण टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब जो ऑथर है सुधा मूर्ति, उनकी ग्रैंडमदर का नाम है कृष्ण टक्का। अब कृष्ण टक्का कभी भी स्कूल नहीं गई थी और इसीलिए वो पढ़ना और लिखना नहीं जानती थी। Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. और हर Wednesday मतलब हर बुधवार को वो जो साप्ताहिक पत्रिका आती थी और उस साप्ताहिक पत्रिका में से जो है एक एक एपिसोड ऑथर अपनी दादी को पढ़ के सुनाती थी, यानी सुधा मूर्ति अपनी दादी माँ को कहानियाँ पढ़ के सुनाती थी। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later, she would repeat the entire text by heart. My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. So finally, जब सुधा मूर्ति अपनी दादी को कहानी सुनाती काशी यात्रा की, तो दादी बड़े चाव के साथ और बड़े ध्यान से उस कहानी को सुनती। उन्हें लगता कि काशी यात्रा में जिस बूढ़ी औरत के बारे में बोला है, जिसका उल्लेख है, दादी माँ अपने आप को उसके साथ तुलना करना शुरू करती। ठीक है, उन्हें लगता कि वो भी कभी काशी नहीं गई हैं और वो कहानी में वो लेडी भी कभी काशी नहीं जा पाई है, इसका मतलब उनकी और उनका लाइफ काफ़ी मिलता जुलता है और उन्हें बड़ा इंटरेस्ट रहता कि अगले एपिसोड में क्या होगा उस लेडी के साथ। तो वो हमेशा नैरेटर को बोलती रहती कि जैसे ही पत्रिका आए तो मुझे पढ़ के सुनाना कि फिर आगे कहानी में क्या हुआ। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड Where we children would also gather to play hide and seek. She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much debate about the story. So, क्या होता था कि पहले सुधा मूर्ति अपनी दादी को पढ़ के पूरी कहानी बताती और उसके बाद जब सब लोग शाम को टेम्पल यानी मंदिर जाते और वहाँ पर बैठ के सारी लेडीज़ बातें करती, तब दादी माँ जो है बाकी अपने फ्रेंड्स को ये एपिसोड या ये कहानी बताती और फिर उसके बारे में चर्चा करती, और जो बच्चे हैं वो सब टेंपल के कोर्टयार्ड में यानी टेंपल गार्डन में हाइड एंड सीक खेलते। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माय कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। वी चिल्ड्रन एंजॉयड अवरसेल्व्स थॉरली। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। I went for a couple of days but ended up staying for a week. अब एक बार उनके बचपन में ऐसा हुआ कि पास के किसी गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में सुधा मूर्ति और उनके पेरेंट्स गए, दादी माँ नहीं गई किसी वजह से। ठीक है, अब कुछ दिनों के लिए जाना था लेकिन ऑलमोस्ट एक हफ्ते भर के लिए जो है सुधा मूर्ति और उनके पेरेंट्स वहाँ रुक गए। उन दिनों में शादी बहुत बड़ा ग्रैंड अफेयर हुआ करता था, लोग दूर दूर से आते थे और सब लोग एक फैमिली की तरह एंजॉय करते थे। स्पेशली बच्चे बहुत मज़े करते थे क्योंकि उन्हें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था। सारे बड़े लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते थे तो बच्चे फुल फ्रीडम एंजॉय करते थे, वो सिर्फ खाते और खेलते रहते। और इस तरह सुधा मूर्ति जो है एक हफ्ते के लिए अपनी दादी से अलग हो गई, दूसरे गाँव चली गई।
When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. Now, as you can see in the picture, when she comes back, the grandmother is in tears, she is crying. So she was very surprised. Sudha Murti to chauk gayi. क्यों रो रही है दादी माँ? दादी माँ तो कभी नहीं रोती, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो वो हमेशा डटकर सामना करती, वो तो कभी नहीं रोती। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि दादी रो रही है? अब उन्होंने पूछा, अब्बा इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? तो वो चौंक गई सुधा मूर्ति, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले। दिस वर्ड अब्बा मीन्स द नेम इन तमिल थ्रू विच वी एड्रेस अवर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड मदर को अब्बा नाम से बुलाते हैं तमिल लैंग्वेज में। तो उन्होंने अपनी दादी को रोते हुए देखा, वो चौंक गई। उन्होंने पूछा कि क्या बात है दादी माँ, आप क्यों रो रही हैं? व्हाट हैपेंड, क्या सब ठीक है? आई यूज़ टू कॉल हर अब्बा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कन्नड़ लैंग्वेज में अब्बा का मतलब होता है दादी माँ। She nodded but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping on open terrace of the house. It was a summer night and there was a full moon. So, Dadi ne sar hilate hue mana kar diya aur chup rahi, unhone kuch nahi bola. Raat ko sab log chhat pe sone chale gaye, garmiyon ka din tha aur chhat pe sona aam baat hai gaon mein. Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, what's the matter? तो रात को जब सो रहे थे सब लोग, तब दादी माँ धीरे से उठ के सुधा के पास आई और उनके सर पे हाथ रखा। अब सुधा को लगा कि दादी कुछ तो बोलना चाहती हैं जो वो बोल नहीं पा रही, तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है दादी? अव्वा, what's the matter? When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. तो दादी ने अब सुधा को बोलना शुरू किया कि पता है सुधा, जब मैं छोटी थी, बहुत बचपन में ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। उन दिनों में लड़कियों को एजुकेट नहीं किया जाता था, मतलब लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, इसीलिए मेरी भी शिक्षा नहीं हुई, मुझे भी किसी ने पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, आई बिकेम वेरी बिजी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस एंड कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. तो दादी ने फर्दर बताया कि उसके बाद मेरी शादी करवा दी, बहुत ही छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई और मैं घर गृहस्थी के कामों में उलझ गई। बाद में मेरे बच्चे हुए, मैं उनकी देखभाल, उनकी पढ़ाई पर फोकस्ड हो गई। उसके बाद मेरे पोता पोती हुए, तुम सब आए, मैं तुम लोगों की देखभाल, तुम्हें खाना खिलाने में, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में मज़े करने लगी। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि मैं पढ़ लिख नहीं पाई और इसीलिए मैंने हमेशा ये निश्चित किया है कि मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती अच्छे स्कूल्स में पढ़ें और उन्हें प्रॉपरली शिक्षा मिल सके। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12 ईयर्स ओल्ड द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ नाइट। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good-looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hands. So, ab Sudha badi chauk gayi. Unhe samajh nahi aa raha tha कि दादी को क्या हो गया है, अचानक बीच रात में उठ के वो अपनी लाइफ हिस्ट्री मुझे क्यों बता रही हैं, उनकी लाइफ में या बचपन में क्या क्या हुआ। लेकिन दादी की बातों से वो ये ज़रूर समझ गई थी कि दादी काफ़ी परेशान हैं। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने दादी की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुना और फिर गौर से देखा, तो देखा उनकी दादी, जो देखने में बहुत सुंदर थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आज उनकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू थे
और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। अवा डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। सो फाइनली सुधा ने पूछा कि दादी आप प्लीज़ मत रो, अवा आप मत रोइए, क्या कोई तरीका है जिससे मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कर्ण वीरा केम एज यूजुअल, आई ओपन द मैगजीन, आई सॉ द पिक्चर दैट अकंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटन, मेनी टाइम्स आई रब माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग आई कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन बट आई न्यू दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल। अब दादी ने कहा, हाँ सुधा मुझे तेरी मदद चाहिए बेटा, जब तुम शादी में गई हुई थी ना, पीछे से जो साप्ताहिक पत्रिका है कर्मवीरा वो आई थी, उसमें काशी यात्रा का नेक्स्ट एपिसोड था, मैंने कई बार उन पेजेस पे हाथ फेर के देखा, मुझे बड़ा मन हुआ कि मैं उन पेजेस को पढ़ सकूं, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती, मैं एक भी शब्द नहीं पढ़ पाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे बहुत दुख हुआ। I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt so very dependent and helpless. We are all well off, but what's the use of the money when I cannot be independent? तब दादी ने बोला कि मुझे लगा था तुम शादी से जल्दी वापस आ जाओगी तो मुझे तुम पढ़ के सुनाओगी, लेकिन तुम्हें तो वहाँ बहुत दिन लग गए, तुम हफ्ते भर बाद आई, मैं तुम्हारा इंतज़ार ही करती रह गई कि कब तुम आओगी और मुझे ये कहानी पढ़ के सुनाओगी, लेकिन तुम आई नहीं और मुझे निराश हो गई। मैं चाहती तो गांव में किसी से भी बोल सकती थी, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आई किसी से बोलते हुए कि मुझे कहानी पढ़ के सुनाओ। हमारे पास कितना पैसा है, हम सब अच्छे परिवार से हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का अगर मुझे दूसरों पर निर्भर होकर रहना पड़े, अगर मैं एक बुक भी खुद नहीं पढ़ सकती। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, अवा कंटिन्यूड, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। तो दादी ने सुधा को बोला कि देखो मैंने मन बना लिया है कि मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ, तुम मुझे पढ़ाओगी, तुम मुझे इसमें मदद करोगी, मैंने दशहरा के दिन जो सरस्वती पूजा होती है उसको अपना डेडलाइन माना है कि मैं उस दिन तक इतना काबिल बन जाऊँगी कि मैं एक नॉवल खुद पढ़ सकूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लव्ड एट हर, अब सुधा ने दादी माँ में पूरा दृढ़ निश्चय तो देख लिया, लेकिन फिर भी सुधा थी तो बच्ची ही, वो दादी की बातें सुन के हंस पड़ी। अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, आप इतनी बड़ी हो चुकी हैं, आपकी इतनी एज है, 62 की उम्र में आप पढ़ना लिखना सीखना चाहती हैं दादी, ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्स, यू वेयर स्पेक्टेकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। अब सुधा ने बोला दिन भर तो आप किचन में काम करती रहती हैं, आप कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं, आपके हेयर देखो, आपके बाल सारे ग्रे हो चुके हैं, आपके स्किन देखो वो रिंकल्ड हो चुकी है, अब कोई आपके पढ़ने लिखने की उम्र है भला। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड, अब सुधा छोटी थी, उन्हें दादी माँ के इमोशंस को उतनी अच्छे से तब वो नहीं समझ पाए, वो नॉर्मली हंस पड़ी, उन्होंने दादी को मजाक मजाक में कुछ बातें बोल दी, लेकिन दादी जानती थी कि सुधा बच्ची है और एक्चुअली वो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती, दादी सिर्फ मुस्कुरा दी। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट, फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज बार, दादी ने हंसते हुए बोला सुधा अगर हम किसी चीज़ के लिए मन बना ले तो कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं है, और मैं पूरी मेहनत करूँगी ताकि मैं कुछ ना कुछ पढ़ सकूँ। The next day onwards, I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of hard work she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. She was her only teacher. I was her only teacher and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. So finally, next day, Sudha ne dadi ko
पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे करके दादी को भी अल्फ़ाबेट सिखाने शुरू कर दिए। और सुधा का कहना है कि मैं आज भी याद कर सकती हूँ वो दिन जब दादी ने पढ़ना लिखना शुरू किया। वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग स्टूडेंट थी, वो हर चीज़ को पढ़ती, याद करती और उसे रिपीट करती रहती ताकि उन्हें याद रहे। और उस टाइम पे जब मैं 12 साल की थी और अपनी दादी की क्लासेस लेती थी, तब मुझे नहीं पता था कि आगे चल के एक दिन सच में बड़े होकर मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनाऊंगी और कई बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाई दैट टाइम। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। She gave me a gift of frock material, then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. तो दशहरा का फेस्टिवल एज यूजुअल आ गया। दादी ने पूजा के दिन सुधा को एक स्टूल पे बिठाया और उनको फ्रॉक का ड्रेस मटेरियल गिफ्ट किया। उस टाइम तक सुधा भी अपनी दादी के लिए काशी यात्रा, जो कि एक नॉवल के रूप में छप चुकी थी, वो लेके आई। और उसके बाद दादी ने कुछ ऐसा किया जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दादी झुकी और उन्होंने सुधा को प्रणाम किया, उसके चरण छुए। अब सुधा बिल्कुल चौंक गई क्योंकि ये तो परंपरा के बिल्कुल विपरीत था। छोटे बड़ों का पैर छूते थे, भगवान का पैर छूते थे, बड़े तो कभी भी छोटों का पैर नहीं छूते थे। We considered that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, with so much of affection, that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. तो दादी ने सुधा को जब चौंकते हुए या हैरान होते हुए देखा, तब दादी ने कहा कि मैं किसी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी गुरु यानी अपनी शिक्षक के पैर छू रही हूँ। एक ऐसी शिक्षक जिसने मुझे इतने प्यार से सिखाया कि मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, वह आत्मनिर्भर हूँ और खुद एक किताब पढ़ सकती हूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माय गिफ्ट टू माय फर्स्ट स्टूडेंट। She opened it and read immediately the title Kashi Yatra by Triveni and the publisher's name. I knew that my student had passed with flying colors. So, Sudha ne bhi dadi ko respect ke saath unke pair chhue aur phir jo wo dadi ke liye gift leke aayi thi, wo dadi maa ko gift mein di. Theek hai? Dadi maa ko gift dete hi dadi ne gift khola aur dekha ki Kashi Yatra ki kitab hai, to immediately unhone Kashi Yatra title, पब्लिशर का नाम और राइटर का नाम पढ़ा। और जैसे ही दादी ने ये शब्द कहे, सुधा ये बिल्कुल निश्चित हो गई कि उनकी स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, यानी कि दादी अब खुद से पढ़ लिख सकती हैं। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग स्टोरी, येस और नो? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वर्ड मीनिंग्स। आर्डेंट मीन्स समबडी हु इज़ वेरी कीन एंड पैशनेट टू डू समथिंग। पुण्य मीन्स consequences of the actions, हमारे कर्मों का फल। unfortunately means sadly or regretfully, जिसका हमें अफसोस हो। realized means realization होना या आभास होना, to become aware of। surprised means चौंक जाना या amazed, to get amazed। scriptures means sacred writing, हमारे जो पुराण हैं, जो वेद हैं, शास्त्र हैं। protagonist means central character of the story, है ना, जिसके कहानी आसपास जिसके घूमती है। एंड सेवरिंग मीन्स एन्जॉइंग, किसी चीज़ को बड़े चाव से करना या किसी चीज़ के मज़े लेना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द फर्स्ट वन। द ग्रैंड मदर आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद प्रोटैगनिस्ट ऑफ काशी यात्रा बिकॉज लाइक द प्रोटैगनिस्ट शी वॉज ओल्ड एंड क्वाइट वेल ऑफ, keen to go to Kashi on a pilgrimage, uneducated and poor, a generous person. So B, she also wanted to go to Kashi on a pilgrimage. Second, the grandmother was in tears when the narrator returned because the narrator had spent a week at the wedding. She was eager to listen the next episode of Kashi Yatra.
Her inability to read made her feel helpless and independent. The narrator wanted to play rather than read to her grandmother. So C part, her inability to read, उनका ना पढ़ने लिख ना पढ़ लिख पाना ये उनके लिए दुख का विषय था और ये वो रो पड़ी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर. थर्ड वन, द नैरेटर्स ग्रैंडमदर डिड नॉट रिसीव एजुकेशन एज अ चाइल्ड एंड द रीज़न इज, नैरेटर की दादी को बचपन में एजुकेशन नहीं मिला. उसका रीज़न क्या था? शी हैड लॉस्ट हर मदर एंड देयर वॉज नो वन टू गाइड हर एंड मेक हर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. Her stepmother did not want to send her to school but wanted to cook and feed the family. Although she was sent to school, she was not able to learn much and soon left the school to get married. She loved to cook and take care of family so much that she felt education was of no value. So the first option is correct. बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया, इसीलिए किसी ने भी उनको सही मार्गदर्शन नहीं किया, किसी ने भी उन्हें एजुकेशन की वैल्यू का रियलाइजेशन नहीं कराया. उनके पिता भी बहुत व्यस्त रहते थे, इसीलिए किसी का ध्यान अव्वा यानी दादी पर गया ही नहीं. फोर्थ, आई न्यू दैट माई स्टूडेंट हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर मीन्स. द नैरेटर रियलाइज शी हैड टॉट हर ग्रैंड मदर एज मच एज शी कुड. द ग्रैंड मदर हैड लर्नड मच मोर देन हर ट्यूटर हैड टॉट. शी वॉज केपेबल ऑफ लर्निंग. द नैरेटर वॉज एबल टू टीच हर ग्रैंड मदर टू रीड एंड राइट बट कुडंट टीच हर कंप्यूटर्स. द ग्रैंड मदर्स रीडिंग ऑफ द टाइटल काशी यात्रा शोज शी हैड पास द टेस्ट ईजीली. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. उनका टाइटल को कॉन्फिडेंटली पढ़ के बताना ही अपने आप में ये टेस्टमेंट है कि वो अब नॉवेल भी पढ़ सकती हैं. ऑलराइट, सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इंडीड. आगे चलते हैं फिफ्थ वन. द कोट दैट बेस्ट सम्स अप द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ नेशन. Whenever you read a good book somewhere in the world, door opens to allow more light. Once you read to learn, you will be forever free. Learning is attained by chance. It must be sought for with ardor and diligence. So I think the quote that sums up the message of the story. Yani humne jo story padhi, usko kaun bata sakta hai? Sabse best quote kya hai describe karne ka? आई थिंक थर्ड वाला कोट सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है, क्योंकि जब आप पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो आप आज़ादी महसूस करते हैं, आप किसी पे निर्भर नहीं रहते. और दादी भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, वो भी पढ़ना लिखना चाहती थी. राइट, नाउ ऑप्शन आई थिंक थर्ड इज़ करेक्ट, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, बी पार्ट, आंसर इन वन वर्ड. देर आर सर्टेन क्वेश्चन गिवेन, हमें इनका एक शब्द में उत्तर देना है. हाउ ओल्ड वॉज द ग्रैंड मदर? द ग्रैंड मदर वॉज 62 years old. क्लियर. विच नॉवल डिड द ग्रैंड मदर फॉलो एवरी वीक? कर्मवीर. हु वुड रीड इट फॉर ग्रैंड मदर? हर ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड डॉटर, ऑल राइट. और ग्रैंड डॉटर को आप सुधा मूर्ति भी बोल सकते हो, जिनकी स्टोरी है. ठीक है, सुधा मूर्ति. ओके, व्हाट डिड ग्रैंड मदर रिग्रेट? बीइंग इलिटरेट. बीइंग इलिटरेट, ठीक है. उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, शी वॉज अनेबल टू रीड एंड दैट इज व्हाट शी रिग्रेटेड द मोस्ट. Fifth, how did Sudha know that her student passed? When she read the title of the book. जब दादी ने टाइटल पढ़ा बुक का कॉन्फिडेंटली, तब सुधा को पता चल गया कि अब दादी किसी पे निर्भर नहीं है, दादी अब खुद ही पढ़ लिख सकती हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव डन ऑल दीज आंसर्स. हमने हर एक आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर क्वाइट वेल. अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल चैप्टर विच शोज द बॉन्ड बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड डॉटर इन अ ब्यूटिफुल वे एंड ऑल्सो एम्फसाइजेज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स. Alright, so we are done with the chapter and with this we end with today's session.
I will meet you again soon with similar kind of interesting stories. So stay tuned for the upcoming videos. Bye bye and take care.